बेटा आपको मैं बता रहा था किस तरीके से करंट हर किसी ब्रांच में चलेगी और कैसे हम प्रिंसिपल को आगे बढ़ा सकते हैं। जब बैटरी से करंट आ गई, ए पर पहुंचने पर ये दो हिस्सों में डिवाइड होगी, आई वन और आई टू। आई टू इस ब्रांच में चलेगी, बी पर पहुंचेगी। अगर आई टू में से आई जी गई ग्लानोमीटर में, बाकी कितनी बची? आई टू माइनस आई जी, वो इसमें चलने लगेगी। ठीक, यहां से कौन सी आ रही है? आई वन। यहां से कि कौन सी करंट आ रही है? आई जी। ये इधर से नीचे आ गई, इधर से आई वन आई, बन गई आई वन प्लस आई जी। आई वन प्लस आई जी यहां पर आ गई, ये इस ब्रांच में चलेगी, पहुंचेगी सी पर। सी पर आ गई आई वन प्लस आई जी, और यहां से आ रही है आई टू माइनस आई जी। इनको जब ऐड करेंगे तो बनेगा आई वन प्लस आई टू सी पर। आई वन प्लस आई टू किसके बराबर? आई। इसलिए यहां से वापस आएगी करंट आई। ठीक, अब हम प्रिंसिपल को आगे बढ़ा देंगे। देखो बेटा, प्रिंसिपल कैसे हम करेंगे, क्लियर? आप लोगों को क्या करना है, व्हेन वी क्लोज द की के, जब की को क्लोज करेंगे, करंट चलेगी डिफरेंट ब्रांचेस में। करंट जब डिफरेंट ब्रांचेस में चलेगी, आपको मैंने बताया, ये कैसे हमें पता लगेगा कि करंट चल रही है? क्योंकि इसमें लगा है गैल्वेनोमीटर। जू ही करंट चलेगी बेटा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी, ऐसे ऐसे आएगी डिफ्लेक्शन। इसकी जो नीडल होती है ये ऐसे ही चली जाएगी। कब? जब करंट चलेगी। देखो बेटा, जब की क्लोज की, आप लोगों ने करंट चली, ग्लानोमीटर ने डिफ्लेक्शन, ग्लानोमीटर जो है यहां पर, ग्लानोमीटर ने ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाई। ग्लानोमीटर के डिफ्लेक्शन शो करने से ये पता चलता है कि करंट चल रही है, करंट इस ब्रांच में भी चल रही है। ठीक, आप देखो क्या करना है। मैंने आप लोगों को बताया, ये जो रेजिस्टेंस है इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसमें एरो लगा होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। आप देखो, वेरिएबल रेजिस्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस बॉक्स हम लेते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स में मैंने आप लोगों को बताया रेजिस्टेंस से लगी होती है, 5 ओम की, 10 ओम की, 20 ओम की, 50 ओम की, ऐसे लगी। आप लोगों को क्या करना है, 5 ओम की रेजिस्टेंस निकालनी है, चेंज करना है, वैल्यू चेंज करना है। पहले 5 ओम की निकाली, ग्लानोमीटर पर नजर रखनी है। फिर 10 ओम की निकालनी है, ग्लानोमीटर पर नजर रखनी है। तब तक एडजस्टमेंट करते रहना है इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को, तब तक एडजस्टमेंट करते रहना है जब तक ग्लानोमीटर, देखो ग्लानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की थी। ठीक, हमें तब तक एडजस्टमेंट करते रहना है वेरिएबल रेजिस्टेंस में, जब तक ग्लानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ग्लानोमीटर क्या जीरो करना चाहिए? जीरो डिफ्लेक्शन। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो करना क्या है। हमें सबसे पहले की को क्लोज करना है। जब की को क्लोज किया, करंट चलेगी, करंट चलने से ग्लानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, हमें पता लगा कि इस ब्रांच में भी करंट चल रही है। अब क्या करना है इसके आगे? इसके आगे करना है हमें एडजस्टमेंट करनी है, वैल्यू ऑफ आर को एडजस्ट करना है, करते रहना है। कब तक? जब तक ग्लानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। वी हैव टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ आर इन सच ए वे दैट द ग्लानोमीटर शुड शो जीरो डिफ्लेक्शन। अब आप लोग बोलोगे, जब सर जब ग्लानोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो की, तो इसका मतलब है ग्लानोमीटर में करंट ही नहीं चल रही। ग्लानोमीटर कब जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा? जब उसमें करंट ही नहीं चलेगी। ग्लानोमीटर कब डिफ्लेक्शन शो करेगा? जब उसमें करंट चलेगी। ठीक, अब देखो, जब ग्लानोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो की, हमने वैल्यू आर का एडजस्टमेंट करते रहे करते रहे करते रहे, तब तक जब तक ग्लानोमीटर ने क्या दिखाई? जीरो डिफ्लेक्शन। आपको पता है ग्लानोमीटर क्यों जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है? व्हेन ग्लानोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन एट दिस स्टेज, या दिस इज बिकॉज, ये जो पॉइंट बी और पॉइंट डी है, दे विल कम एट सेम पोटेंशियल।
बी और डी सेम पोटेंशियल पर आ गए। ये जो बी पॉइंट और डी पॉइंट है सेम पोटेंशियल पर आ गए। जब सेम पोटेंशियल होता है दो पॉइंट्स के बीच में करंट नहीं चलती है। जब पोटेंशियल डिफरेंस हो दो पॉइंट्स में, जब तक इन दो पॉइंट्स में डिफरेंस हो पोटेंशियल की, ये 10 वोल्ट पर है ये 5 वोल्ट पर है, तब करंट चलेगी। जब ये भी 10 वोल्ट पर है ये भी 10 वोल्ट पर है तो करंट नहीं चलेगी। इसको बोलते हैं सेम पोटेंशियल। व्हेन देयर इज सेम पोटेंशियल नो करंट विल फ्लो थ्रू बी एंड डी, देन एंड ओनली देन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। अब अगर आप लोगों को कोई वाइवा में पूछेगा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो क्यों करता है, आपका जवाब क्या होना चाहिए? गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन इसलिए शो करता है क्योंकि पॉइंट बी और पॉइंट डी आते हैं सेम पोटेंशियल पर। जब पॉइंट बी और पॉइंट डी सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे उनके बीच में करंट नहीं चलेगा, इसलिए गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। अब जब गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो की, उस वक्त व्हीटस्टोन ब्रिज को बोलते हैं बैलेंस्ड स्टेज पर। एट दिस दैट व्हेन गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेट टू बी एट बैलेंस्ड स्टेज। ये किस स्टेज पर आएगा बेटा? बैलेंस्ड स्टेज पर। याद रखना व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेट टू बी एट बैलेंस्ड स्टेज। एंड एट बैलेंस्ड स्टेज, बैलेंस्ड स्टेज पर क्या होता है? रेशियो ऑफ पी इज टू क्यू, पी अपॉन क्यू होता है बराबर बेटा आर अपॉन एस। इन दो का रेशियो होता है बराबर इन दो के रेशियो के बराबर। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मैं फिर से बता रहा हूं व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। अब आज के बाद अगर आप लोगों को कोई भी बताएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है तो आप लोग बोलोगे सर व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है रेशियो आर्म्स का रेशियो जो है दो आर्म्स इन दोनों का रेशियो जरूर बराबर होता है इन दोनों के रेशियो के बराबर। कब? मगर बैलेंस्ड स्टेज पर। P is to Q is equal to R is to S। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये जो S है S को हमें फाइंड करना है। S होगा बराबर बेटा S इधर लाएंगे Q upon P into R। जब हमें R का वैल्यू पता होगा, Q का वैल्यू पता होगा, P का वैल्यू पता होगा, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस S। क्लियर? अब प्रिंसिपल को मैं आप लोगों के लिए फिर से रिवाइज करूंगा। इधर देख लीजिए, क्लोज द की के सो दैट द करंट विल फ्लो थ्रू द डिफरेंट आर्म्स ऑफ द ब्रिज। क्लियर बेटा? देन द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, दिस इज बिकॉज द करंट विल आल्सो फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है बेटा? नाउ एडजस्ट द वैल्यू ऑफ आर, एडजस्ट करते रहिए आर के वैल्यू को तब तक जब तक गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन क्यों दिखाता है? क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट, बी पॉइंट और डी पॉइंट आते हैं सेम पोटेंशियल। व्हेन द टू पॉइंट्स कम एट सेम पोटेंशियल द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। क्लियर बेटा? क्लियर है? अच्छा, जब जीरो डिफ्लेक्शन इसने शो की, इसका मतलब हो गया बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। मगर उस स्टेज पर जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है उस स्टेज को बोलते हैं बैलेंस्ड स्टेज। उस बैलेंस्ड स्टेज पर पी अपान क्यों होता है बराबर आर अपान एस, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, रेशियो ऑफ आर्म्स इज इक्वल। ठीक, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, S इज इक्वल टू Q अपॉन P इनटू R। ठीक है बेटा? तो दिस इज बेसिकली, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। अब मैं प्रूफ में दिखा दूंगा। अच्छा, इस प्रिंसिपल में अगर S का वैल्यू हमें फाइंड करना है, S को इधर लेंगे, Q को इधर, P को नीचे, S इज इक्वल टू Q अपॉन P इनटू R। Knowing the values of P, Q and R, we can calculate the value of S.
अब प्रिंसिपल बताओ, पी अपान क्यों होगा जरूर बराबर आर अपान एस। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, अब इसी प्रिंसिपल को हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉज। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देख लीजिए। अब आप लोगों को पता है प्रूफ देखो कैसे निकालेंगे। प्रूफ सुनिए बेटा, प्रूफ देखो कैसे इसका निकालेंगे। हमें निकालना है P अपान क्यू होगा बराबर R अपान S। इसका प्रूफ या वर्किंग भी बोल सकते हो आप लोग, वर्किंग। अच्छी तरीके से समझ लेना। देखो अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको बोलते हैं अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप ए बी डी ए। बस सिर्फ इतना देखना है आप लोगों को, ए बी डी ए। मैं आप लोगों के लिए इसमें से निकाल दूंगा ये ए बी डी ए वाला पोर्शन, सिर्फ इतना देख लीजिए। इधर देखो, आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ इतना आपको चाहिए, ए बी डी ए ये चाहिए ही नहीं मुझे लूप, बस इतना आप लोग देखो, ए बी डी ए बस इतना लूप। अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप ए बी डी ए ए बी डी ए। कल मैंने आप लोगों को बोला जो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, और आपको पता है समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई। इधर सुनो, कौन कौन सी करंट एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी क्लॉकवाइज, आई टू एंटी क्लॉकवाइज, आई जी एंटी क्लॉकवाइज, आई टू भी एंटी क्लॉकवाइज, आई जी भी एंटी क्लॉकवाइज, मगर आई वन क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे लगाना है समेशन करके। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ जो एंटी क्लॉकवाइज, आई टू एंटी क्लॉकवाइज, आई जी एंटी क्लॉकवाइज, आई वन क्लॉकवाइज, समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई। इसमें ईएमएफ का सोर्स ही नहीं, कोई बैटरी इस लूप में नहीं है, कोई बैटरी इस लूप में नहीं है। अब शाबाश, I2 into P plus I2 into P I into R, क्योंकि करंट into रेजिस्टेंस हो गया एक पॉजिटिव, क्यों एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज क्या होते हैं नेगेटिव। I2 into P पॉजिटिव, IG into कैपिटल G प्लस IG करंट कैपिटल जी। मैंने आप लोगों को बताया अगर ऐसे जी लगाएंगे तो ये तो इंस्ट्रूमेंट बन गया, जी को बाहर लिखेंगे तो ये तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आई जी इंटू जी, जी है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, मगर माइनस, ये क्यों माइनस, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, आई वन क्लॉकवाइज है, माइनस आई वन आर, आई वन आर ये क्लॉकवाइज है, इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों, ईएमएफ है ही नहीं कोई, इसमें बैटरी है ही नहीं कोई, जिसका ईएमएफ होगा वो जीरो। ठीक है, क्लियर है, याद रखा बेटा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप सबको पता है एट बैलेंस्ड स्टेज, एट बैलेंस्ड स्टेज, शाबाश बेटा, बैलेंस्ड स्टेज पर क्या होता है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, कोई करंट नहीं चलती है गैल्वेनोमीटर में। एट बैलेंस्ड स्टेज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, मैंने ये पढ़ा, ये प्रिंसिपल में समझाया,
एट बैलेंस्ड स्टेज नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर बिकॉज बी एंड डी विल कम आउट एट सेम पोटेंशियल। बैलेंस्ड स्टेज पर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो है, ये स्टेप नंबर फर्स्ट में समझा रहा हूं, क्लियर? मुझे बता दीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी। इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, शाबाश बेटा, इक्वेशन फर्स्ट बता दीजिए क्या है। आई वन आई टू इंटू पी प्लस आई जी तो जीरो है, ये टर्म पूरी बनेगी जीरो, ये टर्म जीरो बनेगी, माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म बन गई जीरो क्योंकि एट बैलेंसिंग स्टेज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, कोई करंट नहीं चलने वाली गैल्वेनोमीटर। अच्छा ये हो गया बेटा आई टू इंटू पी इज इक्वल टू आई वन इंटू आर, क्लियर? दिस इंप्लाइज दैट आई वन अपॉन आई टू, आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू पी अपॉन आर, I1 upon I2 is equal to P upon R. This is equation number second. ये आ गया बेटा प्रूफ का पहला स्टेप, ठीक, क्लियर, शाबाश। अब इधर देखो, अब तो हमें, आप सबको पता है यहां से भी हमें था, इधर देख लीजिए, यहां से तो ऐसे था, ये था R और ये था S, ये S था, ये R था, ये C था, ये R, और यहां से I2 आ रही थी करंट, यहां से जा रही है I2 माइनस IG, और यहां से जा रही है बेटा करंट कौन सी, I1 प्लस IG, I1 प्लस IG। अब देखो स्टेप सेकंड में कौन सा लूप लेना है। स्टेप सेकेंड, अप्लाई क्रिचॉप्स वोल्टेज लॉ, अप्लाई क्रिचॉप्स वोल्टेज लॉ टू द लूप, टू द लूप, लूप कौन सा लेना है, बी डी सी बी, बी डी सी बी, बी डी सी बी, क्लियर? कौन पहले लिया था लूप, ए बी डी ए, इस वक्त कौन सा, बी डी सी बी, बी डी सी बी, इसलिए इस लूप को मिटाना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है हमें इस लूप, ये लूप की जरूरत ही नहीं है। आप देख, सिर्फ ये लूप चाहिए, बी डी सी बी, ये लूप चाहिए, बी डी सी बी, लगा दीजिए क्रिचॉप्स वोल्टेज ला। पहले मैं आपको बताता हूं, आई जी इस लूप में ऐसे आएगी, आई वन प्लस आई जी भी ऐसे जाएगी, इसका मतलब क्लॉकवाइज ये लेनी पड़ेगी नेगेटिव, इस वक्त आई जी भी नेगेटिव, आई वन प्लस आई जी भी नेगेटिव, क्योंकि दोनों करंट एंड क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज नहीं, ये आई जी और आई वन प्लस आई जी ये एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। आप देख लीजिए आई वन आई जी यहां से, आई वन प्लस आई जी भी यहां से ऐसे जा रहे हैं, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, आई वन आई टू माइनस आई जी आएगा क्लॉकवाइज ऐसे, ये यहां से आएगी ऐसे ऐसे, लेकिन ये वाली आई जी और आई वन प्लस आई जी ऐसे, तो इसका मतलब IG और I1 प्लस IG पॉजिटिव, I2 माइनस IG नेगेटिव, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में, ये तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। लगा दीजिए लूप, पॉजिटिव वाले पहले, I प्लस IG इंटू जी होगी ए करंट, IG इंटू जी, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, करंट इंटू रेजिस्टेंस प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट क्या है, I1 प्लस IG, I1 प्लस IG, रेजिस्टेंस क्या है S, क्लियर बेटा, माइनस, ये क्यों माइनस, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में,
माइनस आई टू माइनस आई जी, आई टू माइनस आई जी क्लॉकवाइज में, शाबाश, इनटू आर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें भी कोई सोर्स नहीं है, कोई ईएमएफ नहीं है, कोई बैटरी नहीं लगी, इसलिए यहां पर जीरो। समेशन ऑफ आई आर, समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई, ये आई आर का समेशन है, करंट रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस, ठीक, ई है ही नहीं इसमें कोई, इसलिए यहां से जीरो। क्लियर बेटा? मगर फिर से एट बैलेंस्ड स्टेज, एट बैलेंस्ड स्टेज करंट थ्रू ग्लानोमीटर इज जीरो, आई जी इज इक्वल टू जीरो, करंट थ्रू ग्लानोमीटर इज जीरो बैलेंस्ड स्टेज पर। इक्वेशन थर्ड क्या बनेगी? शाबाश, थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? ये टर्म जीरो, आई जी जीरो, जीरो प्लस ये भी जीरो, आई वन प्लस जीरो इंटू एस माइनस आई टू माइनस जीरो आई जी जीरो इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया आई वन इंटू एस माइनस आई टू इंटू आर इज इक्वल टू जीरो, आई वन एस इज इक्वल टू आई टू आर, हो गया आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। बेटा जहां जहां पर आई जी है वो मैंने जीरो बना दिया। क्यों बना दिया जीरो? क्योंकि बैलेंस्ड स्टेज पर करंट थ्रू ग्लानोमीटर इज जीरो, ये टर्म जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये बन गया आई वन इंटू एस आई टू इंटू आर इज इक्वल टू जीरो, आई वन इंटू एस ये इस साइड लिया आई टू आर, आई वन को नीचे ही लगाया आई टू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। क्लियर? अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। स्टेप थर्ड, इधर देखो आप, स्टेप थर्ड करेंगे, स्टेप थर्ड इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ देख लीजिए, आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू पी अपॉन आर, आई वन अपॉन आर आई टू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, दोनों में आई वन अपॉन आई टू। कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कौन कौन सी? सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ कंपेयर करो दो इक्वेशनों को, सेकंड और फोर्थ को, हो गया पी अपॉन आर इज इक्वल टू आर अपॉन एस, क्योंकि इस साइड आई वन अपॉन आई टू, आई वन अपॉन आई टू, पी अपॉन आर इज इक्वल टू पी अपॉन नहीं पी अपॉन क्यों है इसमें, इसमें बेटा पी अपॉन क्यों, आई वन इंटू पी क्यों, आई वन आर इंटू एस, आई जी इंटू जी प्लस आई वन इंटू जी, पी अपॉन क्यों है एक बेटा, यहां पर अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप आई, एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा किसी इसमें बेटा ये चल रही है आई वन इंटू आई जी आर में, ये इसमें यहां पर बेटा एक एक सेकंड लगेगा, ये देखो जी और यहां से एक, आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, इधर देख लीजिए बेटा ये क्यों है, I2 माइनस आई जी इंटू क्यों है बेटा, यहां पर क्यों है, ये गलती हुई है, I1 I2 माइनस आई जी इंटू क्यों है, बस बाकी तो सेम है, ये है बेटा क्यों, ये थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिए आप, ये क्यों था यहां पर I2 माइनस आई जी इंटू क्यों है, ये क्यों है, ठीक है बेटा, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्यों अपॉन S है बेटा, सॉरी फॉर दैट, ये हमने इसकी रेजिस्टेंस तो क्यों है, मैंने लिखी थी R गलती में, तो R तो यहां पर होता है क्यों, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्यों अपॉन S, ये
थोड़ा सा यहां पर करेक्शन हुई थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कंपेयर स्टेप थर्ड में कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर सेकंड एंड थर्ड, कंपेयर करो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को। शाबाश बेटा, I1 upon I2 हो गया P upon R, यहां से इज इक्वल टू Q upon S। देखो इन दो को अगर हम चेंज करेंगे पोजीशन, बन गया P upon Q इज इक्वल टू R upon S। निकल गया प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज का, निकल गया, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, हो गया प्रूफ। अच्छा अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी इंटू आर। बाई नोइंग द वैल्यूज ऑफ पी का वैल्यू पता होगा, क्यू का वैल्यू पता होगा, आर का वैल्यू पता होगा, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एस। अगर आप लोगों के पास पी 10 होगा, क्यों 20 होगा, आर 50 होगा, तो एस का वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज। एस इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, क्यों 20 अपॉन 10 इंटू 50, 10 टू आर, एस इज इक्वल टू 100 ओम। इस तरह वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसका मतलब आप लोग जब यहां तक करोगे तो आप लोगों को ऐसे लिखना है, Knowing the values of P, Q and R, we can calculate the value of unknown resistance. ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge. ये है basically Wheatstone Bridge. इसको आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो वॉच करिए एक दो बार और रफ पर निकाल दीजिए, तब जाके आप लोगों को ये अंडरस्टैंड होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।